हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 8, वेलकम बैक वंस अगेन एंड टुडे वी विल डू चैप्टर नंबर 5 रिवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया एंड दिस इज पार्ट 1. सो लेट्स बिगिन. ओके डन. एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन दैट नेम ऑफ द चैप्टर इज गिवन. टुडे बीइंग द माइटियर डे ऑफ द माइटियर डे अ फिल्म नेम द लेजेंड ऑफ भगत सिंह आर गोइंग टू बी शोन in school. Or entering the class, the teacher recited the following verse. Sir Farosi ki tamanna ab hamare dil mein hai, dekhna hai jor kitna bajue ka til mein hai. Okay, to shahid divas hota hai, class teacher jise class mein enter karte hain ye dialogue bolte hain. Sir Farosi ki tamanna ab hamare dil mein hai, dekhna hai jor kitna bajue ka til mein. Jise ye dialogue bolte hain, after reciting this line, the class teacher talk about the revolutionaries of India. Okay, और जैसे ही उनका ये dialogue ख़त्म होता है तब वो हमारे देश के जो क्रांतिकारी थे, जो revolutionaries थे, उनकी ये लोग अब discussion कर रहे हैं. ठीक है, आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को agree करते हैं कि many known and unknown mightier struggle for freedom till that during the freedom struggle of India. अगर हम लोग इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल की बात करें तो बहुत सारे जो कुछ लोगों को तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि भगत सिंह हो गए, राजगुरु हो गए, सुखदेव हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, इतने को तो हम लोग जानते हैं. लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग जानते ही नहीं है, जिन्होंने अपने देश के लिए जो अपने आखिरी सांस तक देश की आज़ादी के लिए लड़े. ओके, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनी रिवोल्यूशनरी फॉट इंडिविजुअली और दे फॉर्म्ड ग्रुप टू डिक्लेयर रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट. सब ने अपने अपने तरीके से मतलब कॉन्ट्रीब्यूट किया. सम ऑफ देम हैड फॉर्म्ड अ ग्रुप एंड कुछ लोग इंडिविजुअली ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने लड़ने जा रहे हैं. पीपल ऑल ओवर द कंट्री रिमेंबर देयर स्टोरी टिल डेट. इवन हम लोग आज भी इनकी स्टोरियाँ सुनते हैं. Those brave men and women who revolted against the British government are known as the revolutionaries of India. Okay, जो लोग हमारे देश के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट से लड़े थे उन्हें हम लोग revolutionaries of India कहेंगे, जिसे हम लोग हिंदी में क्रांतिकारी कहते हैं. ओके, दिस एक्टिविटी आर वेरी रिवोल्यूशनरी. पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, लिटरेट और इलिटरेट, रॉयल और ऑर्डिनरी, टुक पार्ट इन दिस रिवोल्यूशन. मतलब इस आज़ादी के रिवोल्यूशन में कोई पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, चाहे बहुत पैसे वाला है या बहुत गरीब है, सभी लोगों ने हिस्सा लिया और देश के लिए लड़ाई लड़ी. ठीक है, रिवोल्यूशनरीज आर कैरिड आउट इन वेरिंग डिग्रीज अक्रॉस इंडिया. रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी वेर इनिशिएटेड बाय द फर्स्ट माइटियर वासुदेव बलवंत फड़के हु हेल्ड फ्रॉम महाराष्ट्र. लेकिन आपको क्या लगता है कि किसने तो इसकी शुरुआत की होगी? वेल, वो शुरुआत करने वाले थे हमारे महाराष्ट्र से वासुदेव बलवंत फड़के. ओके, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट एनी वन रिवोल्यूशनरी ऑफ द करंट टाइम्स एंड राइट ए शॉर्ट नोट. करंट टाइम पे अगर कोई लगता है आपको कि जो दो देश के लिए काम कर रहा है, जी ऐसा नहीं है कि देश के लिए कोई मारे मरे तभी वो रिवोल्यूशनरी कहलाएगा. ऐसा भी हो सकता है कि वो देश के लिए कुछ अलग काम भी कर रहा हो. ठीक है, तो आपको प्रेजेंट टाइम के कोई रिवोल्यूशनरी के बारे में फाइंड आउट करना है, आप ये पहले चैप्टर सुन लीजिए, फिर बाद में आप लोग इसे सर्च कर सकते हो. ओके, सो चिंगारी, ठीक है, इट इज़ रिटन बाय रामप्रसाद बिस्मिल, टॉर्च ऑफ रिवोल्यूशन. ये कुछ लिखा है, मैं इसे उसे रीड करता हूँ. ये लाइन जो है रामप्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखी गई है. ओके, चिंगारी. मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे. जब तक है तन में जान, रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे. ओके, सो ये अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं जो देश के प्रति है. मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, मतलब मालिक का मतलब भगवान, अल्लाह, खुदा, जीजस, जो भी है, मतलब तू है और तू ही तू रहेगा. बाकी ना मैं रहूँ ना मेरी आरजू रहे,
मेरे जैसे लोग तो क्या आते जाते रहते हैं, आज पैदा हो गए कल मर जाएंगे, ठीक है। सो ये चलता रहेगा, ठीक है। लेकिन जब तक मेरी अंदर जान है, मेरी रगों में रू है, तेरा ही जिक्र रहे और तेरी ही बातें हों, ठीक है। तो इस तरह की कुछ लाइनें लिखी गई थी भाई वासुदेव बलवंत फड़के, जिनका आप लोग फोटोग्राफ देख सकते हो। सो ये वासुदेव बलवंत फड़के, ठीक है। सो इनके बारे में रीड करते हैं। वासुदेव बलवंत फड़के वॉज द पायनियर ऑफ द रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज इन इंडिया। पायनियर किसे कहेंगे? किसी भी इंसान ने जब किसी चीज़ की शुरुआत की है। से फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में अभी कोई मोटर कोई भी इलेक्ट्रिकल व्हीकल यूज़ नहीं कर रहा है, और मान लो मैं पहला ऐसा इंसान हूँ जिसने मैंने इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके शहरों में घूम रहा हूँ, तो मुझे क्या कहा जाएगा? पायनियर, यानी मैं अपनी उस पर्टिकुलर कैटेगरी में पहला ऐसा इंसान हूँ जिसने उसकी शुरुआत की। सो क्रांतिकारियों में सबसे पहले शुरुआत की वासुदेव बलवंत फड़के ने। ही वर्कड इन पुणे, मतलब ये पुणे में कहीं पे काम करते थे। एंड इनजस्ट एंड पार्शल अप्रोच ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इरिटेटेड हिम सो मच डेट ही लेफ्ट हिज जॉब। ही टुक द वो नॉट अप्लाइंग तिलक ऑन हिज फोरहेड एंड नॉट टू कट हिज हेयर टिल ही डिड नॉट फ्री द इंडिया फ्रॉम द क्लचेस ऑफ ब्रिटिशर्स। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रहे थे, एंड आपको पता है कि ब्रिटिशर्स इंडियन लोग को मतलब बहुत ही डाउन ग्रेड का समझते थे, हमारा मजाक बनाया जाता था, मजाक उड़ाते थे। सो इनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आई। फाइनली इन्होंने डिसाइड कर लिया कि मुझे ऐसी जगह जॉब नहीं करनी जहाँ पे कोई आत्मसम्मान ना हो, ना कोई रिस्पेक्ट हो। इन्होंने कसम खाई थी कि मैं अपने सिर पे कभी तिलक नहीं लगाऊंगा, और जो अपनी बाल बाल जब तक नहीं कटवाऊंगा जब तक मैं अपने देश को ब्रिटिशर्स से फ्री ना करवा लूँ, ठीक है। ही फॉर्म्ड अ सीक्रेट आर्म ग्रुप फॉर रिवोल्यूशनरी कॉल रमोसी टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से लड़ने के लिए इन्होंने एक ग्रुप बनाया, और उस ग्रुप का नाम था रमोसी, ठीक है। चलिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड हिम वॉन्टेड एंड विद अ बाउंटी ऑफ ₹4,000 ही ट्रेन द यंग मैन टू अटैक द ब्रिटिश कैम्प, टू रॉब द गवर्नमेंट ट्रेजरी एंड टू यूज द गन एंड अदर वेपन। द ब्रिटिश बिकम डेस्परेट टू अरेस्ट हिम एट एनी कॉस्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको इतना मतलब, ये उस टाइम के 4,000 हैं जब मतलब पैसे की बहुत ज़्यादा वैल्यू हुआ करती थी। सो ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको एनी हाउ उसको पकड़ना चाहती थी। ₹4,000 इनके ऊपर इनाम था। इन्होंने यंग बच्चों को, यंग लड़कों को ट्रेन करना स्टार्ट किया, वेपन का यूज़ करवाना सिखाया, और कैसे वेपन यूज़ करना है वो सब उन्होंने उनको ट्रेनिंग दी। ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको पकड़ने के लिए बहुत ही मतलब छटपटा रही थी, ठीक है। अब इनके साथ एक इंसिडेंट भी हुआ था, सो जो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया जाएगा कितना ये कितना मतलब एक्टिव थे। वासुदेव फड़के वॉज अरेस्टेड एट 3 AM। तो बहुत ही सुबह सुबह 3 बजे इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। वाइल ही वॉज अस्लीप इन द विलेज इन हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये सो रहे थे। ही वॉज पुट इन टू द जेल बट ही फ्लूड फ्रॉम देयर एंड जंपिंग ओवर द वॉल। ओके, तो इनको पकड़ के जेल में डाल देगा, लेकिन ये कहाँ रुकने वाले, ये भी दिवांग फान के मतलब दीवार कूद के जेल से भाग जाते हैं। ही वॉज कॉट आफ्टर चेजिंग 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर तक इन्होंने ब्रिटिशर्स को दौड़ाया। ही वॉज टॉर्चर्ड इन द जेल, बाद में इनको बहुत ही मतलब यातनाएं दी गई, इनको बहुत ही टॉर्चर दिया गया। ही डाइड इन द ईडन प्रिजन इन द February 1883। वॉज रिजल्टेड ऑफ हिज प्रोटेस्टिंग टू फॉर्म द हंगर स्ट्राइक, ठीक है। बाद में इनकी दुखद डेथ हो जाती है, रीजन इज गिवन इन द लास्ट लाइन। ओके, अब हम लोग एक और क्रांतिकारी की बात करेंगे जिनका नाम है वीर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, ये आई थिंक उनका फुल नेम है, वॉज बॉर्न ऑन 28 मई 1883 एट द भगूर विलेज ऑफ नासिक डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र। सो बेसिकली ये भी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, दिस टाइम डिस्ट्रिक्ट नासिक है और गांव का नाम है भगूर, मे भी ऐसे ही प्रनाउंस करते होंगे। ही फॉस्टर्ड द रिवोल्यूशनरी आइडियाज सिंस चाइल्डहुड। ही इस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड मित्र मेला विच वॉज लेटर नोन एज अभिनव भारत। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन वॉज टू फ्री इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश रूल विद द हेल्प ऑफ द आर्म रिवोल्ट।
तो इन्होंने एक ग्रुप फॉर्म किया मित्र मेला, जो बाद में अभिनव भारत के नाम से जाना गया। और इनका जो मेन काम, इनके जो ग्रुप का मेन मकसद था कि ब्रिटिशर्स को हमारे देश से भगाना और वेपन सिखाते करो और गवर्नमेंट को सबक सिखाओ। ठीक है, वीर सावरकर वॉज द फर्स्ट इंडियन टू किंडल द फॉरेन क्लोथ्स। तो ये ऐसे पहले इंडियन थे जिन्होंने फॉरेन क्लोथ्स को आग लगाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ही एक्वायर द स्कॉलरशिप फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन श्यामजी कृष्ण वर्मा एंड वेंट टू द लंडन फॉर फर्दर स्टडी। बाद में इनको थोड़ा स्कॉलरशिप मिलती है श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा और बाद में थोड़ी और पढ़ाई करते हैं। वीर सावरकर रॉट अ बुक टाइटल 1857 इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। इट वॉज बैन बिफोर इवन बिफोर इट वॉज पब्लिश्ड। तो वीर सावरकर ने किताब लिखी जिसका नाम था, बुक लिखी जिसका नाम था 1857 द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। जिसे ब्रिटिशर्स को इसकी न्यूज़ मिलती है वो तुरंत ही इनकी बुक को बैन कर देते, पब्लिश भी नहीं होने देते। ओके, ही वॉज अरेस्टेड इन 1910 फॉर इज एसोसिएशन विद द रिवोल्यूशनरी ग्रुप इंडिया हाउस। सावरकर वॉज सेंटेंस टू टू लाइफ टर्म इम्प्रिजनमेंट डेट इज ऑफ 25 years एंड वॉज मूव टू द सेलुलर जेल ऑफ द अंडमान निकोबार आइलैंड। इट वॉज ऑल्सो नोन एज द काला पानी एंड लेटर ड्यू टू द पुअर हेल्थ ही वॉज केफ्ट अंडर द हाउस अरेस्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। वीर सावरकर डाइड ऑन 26 February 1966। सो 1910 में इनको अरेस्ट कर लिया जाता है बिकॉज ऑफ हिज एक्टिविटी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडिया हाउस के ग्रुप होने के लिए। एंड इनको दो टर्म का लाइफ इम्प्रिजनमेंट होता है जो 50 साल का होता है। इनको काला पानी की सजा होती है जो सेलुलर जेल अंडमान निकोबार में है। एंड बाद में इनकी जब कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है तो इनको एक तरह से शिफ्ट कर दिया जाता है एंड महाराष्ट्र में रत्नागिरी में। एंड फाइनली इनकी डेथ होती है 26 February 1966। एटलीस्ट इन्होंने देश की आज़ादी देखी, डेट इज़ द गुड पार्ट। ओके, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, डन 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 डन। नाउ वी विल सी द यंगेस्ट रिवोल्यूशनरी ऑफ अवर कंट्री, खुदीराम बोस। यू कैन सी फ्रॉम हिज फेस, वेरी चाइल्डिश काइंड ऑफ फेस यू कैन सी। खुदीराम बोस वॉज बॉर्न ऑन 3 December 1889 इन द हबीबपुर विलेज ऑफ द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट इन बंगाल। सो बंगाल में मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट और वहाँ पे हबीबपुर नाम का एक गांव है, यहाँ पे 3 December 1889 को इनका जन्म होता है। ही लॉस्ट हिज पेरेंट इन हिज चाइल्डहुड एंड वॉज रेज बाय द टीचर नेम सतेन बाबू हु इंस्पायर्ड हिम टू बी ए रिवोल्यूशनरी। सो बचपन में ही पेरेंट्स की दुखद मृत्यु हो जाती है तो इनके एक टीचर हैं जो इनको पालते पोसते हैं और ये थोड़े से रिवोल्यूशनरी ख्याल के थे। सतेन बाबू इनका नाम है और इससे ये लोग इंस्पायर हुए। ही पार्टिसिपेट इन द नॉन कॉपरेशन रिवोल्यूशन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड किंडल द फॉरेन क्लोथ। सो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट करते हैं और ये सारे जो विदेशी कपड़े हैं जो ब्रिटिश से आए हैं सबको जला देते हैं। खुदीराम बोस यूज टू डाइव इन द गंगा रिवर एंड टॉपल द बोट कैरिंग सॉल्ट। इन दिस वे इट ही यूज टू ब्रेक द अनजस्ट सॉल्ट फ्लो। ये जब सॉल्ट फ्लो था, नमक लूटने का जब कानून चल रहा था, तो जब इनको ब्रिटिशर्स पकड़ने आए तो ये रिवर में कूद जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ऑन 30 April 1908 खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चक्की थ्रू अ बम ऑन द हॉर्स कैरेज ऑफ जज किंग्सफोर्ड टू किल हिम। तो एक जज किंग्सफोर्ड थे, उनको मारने के लिए ये और प्रफुल्ल चक्की हाथ में बम कैरी करते हैं, आई थिंक हैंड ग्रेनेड ही होगा, एंड बाद में उस पर अटैक करते हैं। जज किंग्सफोर्ड सर्वाइव्ड बट हिज वाइफ एंड डॉटर लॉयर कैनेडी किल्ड इन दिस अटैक। सो जिसको मारना था वो तो नहीं मरे पर उनकी वाइफ और उनके बच्चों की यानी उनके लॉयर की डेथ हो जाती है, लेकिन जिस जज को हमको मारना था वो बच जाते हैं। चलिए, बींग सराउंडेड प्रफुल्ल चक्की शॉट हिमसेल्फ बिफोर द पुलिस कुड अरेस्ट हिम। सो अब बम स्फोट हुआ तो तुरंत ही सिक्योरिटी आई, पुलिस ही आई और इनको घेर लिया गया। प्रफुल्ल चक्की ने देखा कि भाई बचने का कोई रास्ता नहीं है तो
तो उन्होंने अपने आप को ही गोली मार ली, ठीक है। लेकिन खुदीराम बोस वॉज कैप्चर्ड एंड हैंग। खुदीराम बोस इतने लकी नहीं थे, बस वो भी अपने आप को कुछ चोट ही करने जा रहे होंगे, बट इनको पकड़ लिया जाता है और इनको फिर फांसी की सजा होती है। ही बिकेम द यंगेस्ट माइटियर टू डाई एट द एज ऑफ 18 ईयर्स फॉर द नेशन। सिर्फ 18 साल के थे जब वो देश के लिए फांसी दे दी जाती है उनको। थिंक वॉट वुड हैव बीन योर कॉन्ट्रीब्यूशन इफ़ यू वेयर देयर ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल। अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल में होते तो आप का क्या योगदान होता। आई एम जस्ट आस्किंग, आप इमेजिन करो, आप आज से 100 साल पहले हो, ठीक है। ओके, सो आवर लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज द रामप्रसाद बिस्मिल। रामप्रसाद बिस्मिल वॉज बॉर्न इन शाहजहानापुर इन यूनाइटेड प्रोविंस। अच्छा, ब्रिटिशर्स के टाइम पे उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इसमें इनका जन्म होता है शाहजहानापुर डिस्ट्रिक्ट में, या सिटी है कुछ बताया नहीं इन लोगों ने, बट 1897 में इनका यूरोप बॉर्न है। एंड रामप्रसाद बिस्मिल, जिनकी हमने अभी चिंगारी पढ़ी थी स्टार्टिंग में, याद करो दिस वन, ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल। ओके, सो ये इनकी चिंगारी थी। ही वॉज बीन किंग पिन एट द काकोरी कॉन्स्पिरेसी वेयर द रिवोल्यूशनरी हैज अ प्लान टू रॉब द ट्रेन कैरिंग आउट द ट्रेजरी फॉर विच ही सेंटेंस टू डेथ। काकोरी ट्रेन इंसिडेंट होता है जहाँ पर हमारे कुछ रिवोल्यूशनरी भाईस मिलके एक ब्रिटिशर्स की जो ट्रेन जा रही थी उसको रोक लेते हैं एंड उसके अंदर से सारा खजाना पैसा जो एक्चुअली इंग्लैंड जा रहा था उसको लूट लेते हैं। उसमें ये भी थे, ओके, इन्होंने भी उसमें उस ट्रेन को लूटा था और बाद में इनको पकड़ लिया जाता है और इनको जेल हो जाती है, नो डाउट। एंड ऑफ कोर्स इनको फिर बाद में मौत की सजा भी सुनाई जाती है। रामप्रसाद वन ऑफ द मेंबर हु फॉर्म्ड रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन। तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी फॉर्म की थी, ठीक है। भगत सिंह फेज्ड हिम एज अ ग्रेट पोएट राइटर ऑफ उर्दू एंड हिंदी। सो रामप्रसाद बिस्मिल इनको मतलब बहुत पसंद किया करते थे भगत सिंह, एंड भगत सिंह इनको एक बहुत ही अच्छी कैटेगरी का राइटर मानते थे जो उर्दू में और हिंदी में अपनी कविताएं या पोएम लिखा करते थे, जो हमने एक स्टार्टिंग में देख लिए और अभी एक और आनी बाकी है। बिस्मिल वॉज हिज पेन नेम। तो रामप्रसाद बिस्मिल उनका पेन नेम है। जितने भी राइटर्स होते हैं वो अपना एक अलग से नाम रखते हैं, ठीक है। ही हैड ट्रांसलेटेड द बुक्स कैटरीन फ्रॉम इंग्लिश एंड बोल्शेविक की करतूत फ्रॉम बंगाली। सो उन्होंने क्या किया, बोल्शेविक रिवॉल्यूशन की जो बुक्स है उसको भी इन्होंने ट्रांसलेट किया एंड एक तरह से ट्रांसलेट किया ताकि जो इंडिया के लोग हैं वो इस बुक को पढ़े और उनके अंदर के जो रिवॉल्यूशनरी थॉट्स हैं वो आगे बढ़े। हिज पोएम इंस्पायर द पेट्रियोटिक फ्लेवर अमंग द इंडियन। सो इनकी मतलब बुक्स पढ़ने के बाद हमको ऐसा होता है कि हम भी देश के लिए कुछ करें, उनके अंदर की भी देश भावना जाग उठती थी। यू कैन सी हिज फोटोग्राफ। ओके, सो उनके द्वारा कुछ लाइन लिखी गई है। दरो दीवार पे हसरत से नजर करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। सी आई थिंक ये लाइन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने इनको जब पता है कि अब मुझे फांसी की सजा होने वाली है या मेरे दिन कम है, तो तब आई थिंक उन्होंने ये पोएम लिखी होगी, ये कुछ लाइनें लिखी होगी। दर और दीवारों पे हसरत से नज़र करते हैं, मतलब एक कैदी होता है वो अपने आखिरी टाइम पे अपने जेलों की दीवारों को देख रहा होता है, ठीक है, उस पर ये नज़र घुमा रहे हैं। खुश रहो अहले वतन, यानी मेरे देश वासियों तुम हमेशा खुश रहो, हम तो सफ़र करते हैं, मतलब अब मेरा टाइम हो गया है यहाँ से जाने का। तो ये कुछ लाइनें थी और ये लाइन अगर मैं एक ही लाइन में बोलूँगा तो कैसे होगा। दरो दीवार पे हसरत से नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन, हम तो सफ़र करते हैं। ओके, सो यू कैन सी कि इन कितनी फीलिंग रही होगी। ओके, सो आज हमने कौन से क्रांतिकारी भाइयों को कवर किया। वेल, वासुदेव बलवंत फड़के, वीर सावरकर, खुदीराम बोस एंड रामप्रसाद बिस्मिल।
So friend, this is your part one, and very soon I'm going to brought part two also. So thanks for listening, and I'm signing off.